वेलकम टू ए बी कैंपस आज हम आई एस का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं आर्टम 2014 से जिसका टाइटल है क्वालिटी गारमेंट्स लिमिटेड और ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन है सो so, क्वेश्चन की अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं तो क्वालिटी गारमेंट्स लिमिटेड इज अ मैनुफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स जो उनका नेचर ऑफ बिजनेस है ड्यूरिंग मे टू अ फायर ब्रोक आउट इन वन ऑफ इट्स यूनिट्स विच डेथ्स एंड सीवियर इंजरीज टू द नंबर ऑफ वर्कर्स

रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस हाउ द अबव इशूज़ शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्यू जी एल फॉर द ईयर हंड्रेड थर्टी जून टू थाउजेंडें फोरटीन स्पोर्ट योर आंसर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ रेलिवेंट आई एफ आर एस तो जिस आई एफ आर एस से रेलिवेंट हम डिस्कशन uh, कर रहे होंगे मोस्टली आई एस थर्टी सेवन से रिलेट कर, कर रहा होगा तो उसका हम uh, साथ के साथ जो है उसकी प्रोविजन्स को डिस्कस करेंगे रेफरेंस देना स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है लेकिन उसकी प्रोविजन डिस्कस करना जरूरी है तो ये फोर जो इशूज हैं इनको हम अब सेपरेटली हर इशू को रिस्पॉन्ड करते हैं तो सबसे पहला इशू है कि फैमिलीज ऑफ सर्टन डिसीज वर्कर्स है गवर्नमेंट एजेंसी हैज इम्पोज पेनल्टी ऑफ रुपीज थर्टी फाइव मिलियन फॉर नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी तो एक तो वर्कर्स की फैमिलीज की तरफ से क्लेम आ गया सिक्सटी मिलियन का फिर गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी थर्टी फाइव मिलियन की कि भाई आपकी कंपनी ने नेग्लीजेंस की है क्यों फायर ब्रोकआउट हुई क्यू जी एल लॉयर्स एंटीसपेट दैट द कंपनी वुड मिलियन एंड रुपीज टेन मिलियन टू सेटल द वर्कर्स क्लेम एंड द पेनल्टी रिस्पेक्टिवली तो लॉयर्स की तरफ से जो एस्टिमेट है वो ये है कि केस जो है वो इन अमाउंट्स में कोर्ट के थ्रू सेटल हो जाएंगे तो इसका अगर हम आंसर बनाते हैं जो फॉर द लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन एंड पेनल्टी है तो पहली बात तो ये कि प्रोविजन तब रेकनाइज की जाती है जब प्रेजेंट ऑब्लीगेशन हो जब प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो और रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल हो तो ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो हम प्रोविजन रेकगनाइज़ करते हैं अब इस सैनैरियो में अगर हम देखें तो हमारी तीनों कंडीशनस मीट हो रही हैं और जो ट्वेंटी मिलियन और टेन मिलियन की अमाउंट है वो हमारा रिलायबल एस्टिमेट है जो लॉयर की तरफ से मिला है इसकी हमें प्रोविजन रेकगनाइज करनी चाहिए अब ये तीनों कंडीशन कैसे मीट हो रही हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी इसलिए है क्योंकि ईयर एंड से पहले ये इवेंट हो चुका था तो जो भी पैसे हमें देने पड़ेंगे इन केस अगर देने पड़ते हैं तो वो हमें ऑलरेडी वो काम हो चुका है ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका है जिसकी वजह से देने पड़ेंगे प्रोबेबल आउटफ्लो तो ऑब्वियसली है जो लॉयर कह रहे हैं कि जी इतने पैसे देने पड़ेंगे और उसका एस्टिमेट भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो तीनों कंडीशन मीट हो रही हैं और इसलिए ये टोटल जो टेन मिलियन और ट्वेंटी मिलियन टोटल थर्टी मिलियन की हमें प्रोविजन रेकग्नाइज कर लेनी चाहिए अब जहां तक बात है कि रिमेनिंग अमाउंट यानी ये क्योंकि जो सिक्सटी मिलियन का क्लेम है और हम ट्वेंटी की प्रोविजन रेकगनाइज कर रहे हैं और ये थर्टी फाइव मिलियन की पेनल्टी का इम्पोजिशन uh, है और हम उसमें से सिर्फ टेन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर टोटल जो क्लेम और पेनल्टी इम्पोज हुई है सिक्सटी प्लस थर्टी फाइव वो नाइन्टी फाइव बनता है उसमें से हम ये थर्टी माइनस कर देते हैं तो ये रिमेनिंग अमाउंट है सिक्सटी फाइव मिलियन की इसके लिए जो है प्रोबेबल नहीं है कि जी इतने पैसे देने पड़ेंगे तो इसकी प्रोविजन तो रेकगनाइज़ नहीं होगी तो फॉर रुपीज़ सिक्सटी फाइव मिलियन प्रोबेबल नहीं है और हम प्रोव रिकोगनाइज नहीं कर रहे होंगे लेकिन इसकी कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए जिसमें हम उस जो ये अमाउंट है सिक्सटी फाइव मिलियन की इसकी नेचर इसका एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट दैट इज सिक्सटी फाइव मिलियन इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज और पॉसिबिलिटी ऑफ री को डिस्कस करें पॉसिबिलिटी ऑफ री से यहाँ पर यह मुराद है कि अगर हम ये पेमेंट करते हैं तो और हमने कोई इंश्योरेंस लेट से करवाई हुई है तो क्या हमें उस इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे एज अ क्लेम मिल जाएंगे जो हम कॉस्ट पे कर रहे होंगे अगर वो वापस मिल जाएंगे तो दैट इज री और वो इसके अंदर कवर होगा नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन गुडविल ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसीडरिंग एडिशनल पेमेंट टू द फैमिलीज ऑफ द वर्कर्स अमाउंटिंग टू रुपीज मिलियन अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो सोच रहे हैं या उन्होंने अगर फैसला कर भी लिया है तो ये आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं बनती जब तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इसकी नहीं की जाती अब ना इसमें कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना अभी कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो इसमें ना कोई प्रोविजन रिकेगनाइज होगी ना ही कोई डिस्क्लोजर दिया जाएगा तो हम इसमें पहली बात तो ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑब्लिगेशन है ये लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि मैटर अभी भी अंडर कंसिडेशन है कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट भी नहीं हुआ कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं हुई तो हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रोविजन रिकोगनाइज करने की जरूरत नहीं है पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है इसका मतलब है डिस्क्लोजर एज कंटीजेंट लाइबिलिटी देने की जरूरत भी नहीं है सो कंक्लूजन वुड बी बदियर फॉर नो प्रोविजन और डिस्कलोजर इज रिक्वायर्ड इन दिस रिस्पेक्ट थर्ड पॉइंट है कि लॉस टू फिक्स एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज क्योंकि फायर जो हुई तो उसकी वजह से फिक्स एसेट्स को भी नुकसान हुआ इन्वेंट्रीज को भी uh, कुछ डैमेज हुआ होगा इज एस्टिमेटेड एट रुपीज सिक्सटीन मिलियन इन दिस रिस्पेक्ट अ फायर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन लॉस्ड ड्यू टू सर्टन पॉलिसी क्लासेज क्यू जी एल कंसल्टेंट एंटिसिपेट डेट द क्लेम फॉर रुपीज फिफ्टीन मिलियन में नॉट बी एक्सेप्टेड यानी सिक्सटी में से फोर्टी फाइव हमें मिलने का चांस है और फिफ्टीन पर थोड़ा डाउट है कि वो शायद एक्सेप्ट ना हो द मैटर इज अंडर निगोसिएशन विद इंश्योरेंस कंपनी तो हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना लॉस एस्टिमेट करके बता रहे हैं सिक्सटी मिलियन का और फिफ्टीन मिलियन उनमें से शायद ना मिलें और फोर्टी फाइव मिलियन जो है वो मिलने की हमें चांसेस हैं क्लियर तो ये एक का है पहले तो हम इसको लिस्ट कर लेते हैं तो री के सिनेरियो में इंबर्समेंट को तब एसेट रिकगनाइज किया जाता है जब वर्चुअली सर्टन हो और तब डिस्कलोज किया जाता है एज एसेट जब प्रोबेबल हो तो आप इसको रिकग्नाइज करेंगे एज एज एन एसेट एसेट व्हेन वर्चुअली सर्टन एंड जब प्रोबेबल हो अब यहां पर अगर हम देखें तो फोर्टी फाइव मिलियन जो है उस पर हमें कोई डाउट नहीं है तो वो वर्चुअली सर्टन है और उसके का इंश्योरेंस क्लेम एज एन रिसीवेबल हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए तो फोर्टी फाइव मिलियन को हम वर्चुअली सर्टन के तौर पर रिकोगनाइज कर लेंगे एज अ रिसीवेबल जब बात करते हैं बाकी 15 मिलियन की तो अब यह देखना है कि क्या वो प्रोबेबल है या नहीं अब ये मेन नॉट बी एक्सेप्टेड जो है वो क्लियर ये इंडिकेशन नहीं है कि प्रोबेबल है या नहीं तो यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर इनफ्लो रिमेनिंग अमाउंट का प्रोबेबल है तो फिर तो हम एक कंटीजेंट एसेट डिस्क्लोज कर देंगे लेकिन शर्त क्या है अगर प्रोबेबल हो और अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबल भी नहीं है जो रिमेनिंग फिफ्टीन मिलियन है वो प्रोबेबल भी नहीं है तो इन दैट केस हम कोई कंटीजेंट एसेट भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे फिर हम इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली इग्नोर कर देंगे फोर्थ पॉइंट है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द यूनिट फॉर रिपेयर क्योंकि फायर हुई उसकी वजह से डैमेज हो गया तो डैमेज को हम की वजह से हमने यूनिट को क्लोज uh, किया ताकि रिपेयर हो सके क्यूजीएल वुड नॉट बी एबल टू मीट सेल्स ऑर्डर ऑफ रूपीज फिफ्टी मिलियन दिस विल रिड्यूस क्यूजीएल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द हाफ ईयर एंडिंग थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन बाइ रुपीज टेन मिलियन तो अब हमें यूनिट क्लोज करना पड़ा अब हम सेल्स के ऑर्डर मीट नहीं कर सकेंगे जिसकी वजह से आगे आने वाले जो छः महीने हैं क्योंकि हमारा ईयर एंड जो है वो तो जून में हो रहा है तो दिसंबर तक आने वाले जो छः महीने हैं उनमें हमें टेन मिलियन से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी यानी हमें टेन मिलियन का फ्यूचर में लेस प्रॉफिट होगा तो बात यह है कि फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेज हों या फ्यूचर की रिडक्शन इन प्रॉफिट्स हो ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है ये एक फ्यूचर का इवेंट है और हमने प्रोविजन रेकग्नाइज़ करनी होती है उन चीज़ों की जो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जिसमें प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ़ इकोनॉमिक बेनिफिट हो और रिलायबल एस्टिमेट हो सो so, यहाँ पर हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम फ्यूचर में लॉसेज इनकर करें या फ्यूचर में रिड्यूस प्रॉफिट लें और फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ और मार्केट कंडीशन चेंज हों एंड थिंग्स गो डिफरेंटली इवन कैन गो ऑन वर्स साइड और इवन सम गुड सिचुएशन सो so, कोई प्रोविजन या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए या इवन आप कह सकते हैं कि फ्यूचर रिडक्शन इन प्रॉफिट के लिए क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट से अराइज़ हो रहा है और पास्ट इवेंट से अराइज़ नहीं हो रहा पास्ट इवेंट्स की वजह से अराइज हो रहा होता तो हम इसकी प्रोविजन को कंसिडर करते सो so, ये इस क्वेश्चन के अंदर फोर स्नैरियोज थे जो एक डैमेज बाय फायर की वजह से अराइज हो रहे थे और उनके ऊपर हमने अपनी डिस्कशन कंप्लीट की दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे